आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों का वेलकम है। आज का जो हम लोगों का जो टॉपिक है वह है हर्ट। हर्ट जैसा कि हम शुरू से बताते चले आ रहे हैं कि साइंस में आपको ग्रीक और लैटिन शब्द का इस्तेमाल किया जाता भी है, तो हर्ट को भी अगर ग्रीक वर्ड में देखा जाए तो इसको हम आप कॉर्डियम शब्द से लिया गया भी है। इसलिए जितनी भी जूलॉजी की बुक आप पाएंगे तो जूलॉजिकल टर्म में इसको हम आप कॉर्डियक आर्गन के नाम से आपको जाना जाता भी है। आपको हार्ट के बहुत से उपनाम हैं, इसको हम आप बिजिएस्ट आर्गन के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि बॉडी के अंतर्गत इकलौता ऐसा आर्गन है जो कभी भी रेस्ट नहीं कर सकता भी है। अगर इसने रेस्ट किया तो आपको किसी भी लिविंग बींग की आपको डेथ की कंडीशन आपको देखी जाती है। इसके पीछे रीजन क्या है? क्योंकि जो हार्ट जो आपको होता है इसको हम एक दूसरे निकनेम पंपिंग स्टेशन ऑफ द बॉडी के नाम से आपको जाना जाता है। कारण, क्योंकि इसी के अंतर्गत आपको जो ब्लड होता है वो बॉडी के डिफरेंट पार्ट में जाता है और डिफरेंट पार्ट से जो ब्लड जो इम्प्योर हो जाता है जिसको हम आप डीऑक्सीजनेटेड बोलते भी हैं, वो फिर से आपको हार्ट में आपको आता भी है। इसलिए इसको पंपिंग स्टेशन के नाम से इंडिकेट किया जाता भी है। हालांकि जितने भी वर्टेब्रेट हैं, जैसे हमारे पास हार्ट का नाम आता है तो मोस्टली हम लोग हार्ट का जो भी एक्सप्लेनेशन करते हैं वो वर्टेब्रेट के हिसाब से इंडिकेट किया जाता भी है। और उस वर्टेब्रेट में भी बेसिकली हम लोग ह्यूमन को एग्जाम्पल रखते हुए इंडिकेट किया जाता भी है। अभी हम ह्यूमन हार्ट पर आ रहे हैं कि ह्यूमन में हार्ट कहाँ कहाँ कैसे आपको होता भी है। अगर हम वर्टेब्रेट की बात करें तो आपको जो टू चैम्बर जो हार्ट होता है वो फिश में होता भी है। एक को हम एट्रियम और दूसरे को हम वेंट्रिकल के नाम से आप जानते भी हैं। इसको सिंपल वर्ड में एट्रियम को ऑरिकल के नाम से भी इंडिकेट किया जाता भी है। फिशेस आपको एक ऐसा अपवाद है जिनके पास आपको इम्प्योर या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का पूरा सर्कुलेशन आपको देखा जाता भी है। अगर हम एम्फीबिया और रेप्टाइल की बात करें तो एम्फीबिया और रेप्टाइल में ऑरिकल जो होता है वह टू चैम्बर में होता भी है, पार्टीशन में होता है, और वेंट्रिकल जो सिंगल होता भी है। मतलब एम्फीबिया और रेप्टाइल दोनों के पास आपको थ्री चैम्बर हार्ट होते हैं। बस डिफरेंस कहाँ पर होता है कि जो रेप्टाइल में जो वेंट्रिकल होता है वो थोड़ा सा आपको अनपार्टीशन की पूरी प्रॉपर्टी को इंडिकेट करता है। एक ऐसा रेप्टाइल है जो कि एक अपवाद है, जो कि कई बार कंपटीशन फील्ड में पूछा गया है, क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल के पास फोर चैम्बर हार्ट की प्रॉपर्टी आपको देखी जाती भी है। लेकिन अगर वहीं पर अगर हम एवीज बर्ड और मैमल की बात करें तो इनके पास आपको फोर चैम्बर हार्ट आपको देखा जाता है, टू ऑर्किल और टू वेंट्रिकल। अब इसी के अकॉर्डिंग अगर हम ह्यूमन के हार्ट की बात करें तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि हम लोगों के पास जो हार्ट होता है उसकी जो एक्यूरेट पोजीशन होती है बॉडी में वो फिफ्थ और सिक्स रिब्स के बीच में होता है। ह्यूमन बॉडी में टोटल 12 पेयर रिब्स पाई जाती हैं, संख्या में 24 होती हैं, जिनमें 7 पेयर जो आपको रिब्स होती हैं उनको ट्रू रिब्स बोलते हैं, जो 3 पेयर रिब्स पाई जाती हैं उनको फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं, और जो लास्ट में जो 2 पेयर होती हैं उनको हम आप अगर देखा जाए तो फ्लोटिंग रिब्स के नाम जानते हैं। मतलब 7 पेयर ट्रू रिब्स, जो 3 पेयर हैं उनको सूडो रिब्स, और जो 2 पेयर हैं उनको हम आप फ्लोटिंग रिब्स के नाम जानते हैं। तो हार्ट की जो एक्यूरेट पोजीशन आपको ह्यूमन बॉडी में है वह फिफ्थ और सिक्स रिब्स के बीच में पाया जाता भी है। ह्यूमन का के केस में जो हार्ट का जो वेट होता है वह लगभग आपको 300 ग्राम के आसपास इंडिकेट किया जाता भी है। और इसका अगर डायमीटर के हिसाब से आपको देखा जाए तो लगभग 10 या 12 सेंटीमीटर के आसपास ये इंडिकेट होता भी है। अगर हम ह्यूमन के हार्ट के केस में अभी और भी आपको देखें तो इसकी पास जो हार्ट जो आपको होता है वो एक स्पेशलाइज्ड मसल का बना होता है, इसको हम यहाँ स्ट्रिएटेड और इनवॉलेंट्री के नाम से आप जानते हैं। मतलब हार्ट जो है बिना रुके हुए आपको अंटिल टू डेथ तक की पूरी प्रॉपर्टी को इंडिकेट करता है। हमारी बॉडी में 3 तरह की मसल्स होती हैं, एक इनवॉलेंट्री, दूसरा वॉलेंट्री, और तीसरा आपको कॉर्डिक मसल। कॉर्डिक मसल के पास जिसको हम हार्ट के पास होता है, इनके पास इनवॉलेंट्री और वॉलेंट्री। इनवॉलेंट्री का मतलब होता भी है अनैच्छिक, हिंदी में बोला जाता है, मतलब आपकी बिना इच्छा के केस में भी है। और जो वॉलेंट्री होता है उसको बहुत हिंदी बोलते हैं ऐच्छिक, आपकी इच्छा के हिसाब से है। मतलब हार्ट के पास दोनों प्रॉपर्टी आपको देखी जाती भी है। अगर हम ह्यूमन के हार्ट की और भी बात करें तो ह्यूमन के हार्ट में टोटल आपको 6 वाल्व की पूरी प्रॉपर्टी आपको देखी जाती भी है। 6 वाल्व में अगर आपको देखेंगे तो लगभग वाल्व का मेन फंक्शन होता है प्रिवेंशन ऑफ बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड। मतलब आपको ब्लड को पीछे आने से रोकने का जो मेन पर्पज आपको होता भी है वो आपको वाल्व के केस में इंडिकेट होता भी है। अगर हम दोनों साइड ह्यूमन के हार्ट के देखें तो लगभग आपको जो राइट साइड ह्यूमन का हार्ट होता है उसमें आपको डीऑक्सीजनेटेड मतलब अशुद्ध रुधिर बहता है, और ह्यूमन का जो लेफ्ट साइड आपको हार्ट का होता है उसमें हमेशा आपको ऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब शुद्ध रुधिर की पूरी प्रॉपर्टी आपको देखी जाती भी है। उसी में अगर आप देखेंगे तो लेफ्ट साइड में आपको जो वाल्व होता भी है जो आपको ऑरिकल और वेंट्रिकल को एक पार्टीशन के केस में इंडिकेट आपको करता भी है,
उसको हम या बाइकस्पिड वाल्व या मिट्रल वाल्व के नाम से आप इंडिकेट करते भी हैं। और इसी के आधार पर अगर देखा जाए तो टू फ्लैप्स इसके पास होता है, इसलिए बाइकस्पिड नाम आपको इंडिकेट किया गया भी है। वहीं पर अगर आप राइट साइड के साइड देखिएगा ऑर्किल और वेंट्रिकल में, तो दोनों को पार्टीशन करने के लिए थ्री फ्लैप्स होते हैं, जिसको हम यहाँ ट्राइकस्पिड वाल्व के नाम से आप जानते भी हैं। वहीं पर अगर आप इंडिकेट करेंगे तो ह्यूमन हार्ट के केस में भी है, दो लार्ज आपको ओर्टा पाई जाती है, वेसल पाई जाती हैं, ऑर्टरी पाई जाती हैं, जिनको हम सिस्टमिक ऑर्टरी ओर्टा और पल्मोनरी ओर्टा के नाम से आप जानते हैं। सिस्टमिक का मतलब होता है जिसके अंतर्गत आपको ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपको फ्लो होता हो, और पल्मोनरी नाम जो होता भी है वो हमेशा लंग्स के लिए आता है। इसका मतलब है कोई भी ऐसा ब्लड जो लंग्स के पास जा रहा हो या लंग्स से उसका रिलेटेड हो, तो अगर पल्मोनरी अगर ओर्टा है इसका मतलब सीधे सीधे है कि ब्लड आपको लंग्स के पास आपको लेके जा रहा है, और लंग्स के पास आपको जो भी ब्लड जाता भी है वो हमेशा डीऑक्सीजनेटेड होता है, क्योंकि लंग्स के केस में ही ऑक्सीजनेशन की जो पूरी प्रॉपर्टी है वो आपको देखी जाती है। अपवाद के फॉर्म में अगर देखा जाए एक्सेप्शनली, आपको पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन, ये दो ऐसे टर्म हैं जो आपको हार्ट में आपको मिलेंगे। आपको जानकारी होगी कि आर्टरी और वेन का जो मेन फंक्शन होता है, आर्टरी का काम आपको होता है कि आपको ब्लड को हार्ट से बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक लेके जाना, और ये हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को आपको कैरी करती हैं। वहीं पर जो वेन्स होती हैं वो बॉडी के डिफरेंट पार्ट से जितने भी आपको इम्प्योर ब्लड होते भी हैं उन सभी को हार्ट के पास आपको लेकर आपको आती भी हैं, और उसी के आधार पर आपको देखा जाए, लेकिन अपवाद में पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन जो इनका जो नेचर होता है वो उसके जस्ट अगेंस्ट काम करती भी हैं। वहीं पर हम बात करें अगर ऑर्किल और वेंट्रिकल के थिकनेस की, तो आपको जो ऑर्किल की जो वाल होती है वो थिन होती है और वेंट्रिकल की जो वाल होती है वो थिक होती है। उसमें भी राइट और लेफ्ट साइड के हिसाब से देखा जाए तो लेफ्ट साइड की जो वेंट्रिकल की वाल होती है वो काफ़ी थिक होती है कंपेयर टू अदर। उसी में अगर देखा जाए तो ह्यूमन का जो हार्ट होता है वो स्पेशलाइज्ड मसल का बना होता है, इसलिए ह्यूमन हार्ट को हम आप कहीं कहीं मायोजेनिक हार्ट के नाम से आप जानते भी हैं, और उसी के आधार पर हमारे पास जो हार्ट बीट जो गवर्न होती है, जो स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ मसल की बनी होती है, जिसको हम आप कहीं कहीं SA नोड के नाम जानते हैं, इसका पूरा फुल फॉर्म साइनो आरिकुलर नोड होता है, जिसको हम आप पेस मेकर के नाम जानते हैं, जो ह्यूमन हार्ट के अंतर्गत और राइट साइड के राइट ऑर्किल में आपको पाया जाता है, और आपको नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के केस में भी है 72 टाइम पर मिनट के हिसाब से ह्यूमन हार्ट की कंडीशन आपको बीटिंग में रिप्रेजेंट होता है। और इसलिए कहा गया कि इस हार्ट बीट पर जो आपको SA नोड गवर्न करता भी है, अगर आप एक्सटर्नल फोर्स हो, चाहे आपकी बॉडी की एक्टिविटी हो, या किसी भी और भी प्रेशर या फिजिकल या इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक की वजह से ये जो चीज़ है SA नोड या अप एंड डाउन आपको होता रहता भी है। और इसी के आधार पर अगर आप देखते भी हैं तो पूरे हमारे आपके हार्ट का जो पूरा जो रेगुलेशन है वो आपको इसी SA नोड की वजह से ही आपको होता भी है। वहीं पर आपको मिलेंगे कॉर्डी टेंडनी, कॉर्डी जो टेंडनी जो आपको होता भी है, टेंडनी लगा हुआ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर के केस में, ये आपको फेरोमैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी को रखती भी हैं, जो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व के पास आपको पाई जाती हैं। फेरोमैग्नेटिक की जो प्रॉपर्टी होगी तो जाहिर सी बात है ये आपको ब्लड को कंडक्ट करेंगी, पकड़ेंगी, और ले जा करके आपको कह सकते हैं कि सीधे सीधे आपको पल्मोनरी आपको ओर्टा और सिस्टमिक ओर्टा के पास आपको पहुंचाने का काम करती भी हैं। वहीं पर अगर पल्मोनरी ओर्टा और सिस्टमिक ओर्टा हम देखेंगे तो वहीं दोनों के जो बेसल रीजन होते भी हैं, जिसको एंटीरियर रीजन बोलते हैं स्ट्रक्चर में देखेंगे, तो वहीं पर आपको सेमी लूनर वाल्व दोनों में आपको पाया जाता भी है। हमने स्टार्टिंग में कहा हुआ है कि जो वाल्व होते हैं इनका जो मेन फंक्शन होता है वो प्रिवेंशन ऑफ बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड के केस में आपको इंडिकेट आपको होता भी है। उसी की पूरी प्रॉपर्टी के हिसाब से आपको देखा जाए तो लगभग लगभग आपको बंडल ऑफ हिस नाम है एक साइंटिस्ट का, और इसी बंडल ऑफ हिस के पास अगर देखा जाए थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में आपको पुरकिंजे फाइबर पाया जाता है। ध्यान रखिएगा पुरकिंजे फाइबर और पुरकिंजे सेल दो होता है, पुरकिंजे सेल ब्रेन का पार्ट होता है और पुरकिंजे जो फाइबर आपको होता है वो हार्ट का पार्ट होता है, जो दोनों वेंट्रिकल के नैरो रीजन पर आपको अटैच आपको होता है, नीचे वाले रीजन पर होता है, जो कि एक तरह से कह सकते हैं प्रोटेक्शन के केस में आपको इंडिकेट होता भी है। और जो हार्ट की जो वाल होती है, जो उसकी मसल्स होती है, जो मायोकार्डियम के नाम से भी इंडिकेट किया जाता भी है,
तो मेन कनेक्शन है कि आज की इस वीडियो में हम लोगों ने हार्ट की जो मेन मेन जो थीम या प्रॉपर्टी होनी चाहिए या जो है सिर्फ उसी के बारे में ही आपको बात की गई है। नेक्स्ट वीडियो में हार्ट से संबंधित और भी सब चीज़ों के बारे में, चाहे वो सर्कुलेशन हो या डबल सर्कुलेशन है, जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि ह्यूमन के केस में डबल सर्कुलेशन होता है। हार्ट के हिसाब से डबल का मतलब हुआ ह्यूमन बॉडी में दो बार जो ब्लड आता है, एक आपको प्योर ब्लड आपको आता है और दूसरा इम्प्योर ब्लड आता है। अभी हमने स्टार्टिंग में हमने कहा था ह्यूमन के अंतर्गत आपको जो इम्प्योर ब्लड होता है, जो डी ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है वो राइट साइड आता है, और जो आपको प्योर ब्लड होता है जिसको आप ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं वह लेफ्ट साइड आपको आता है। तो दो बार आने की वजह से ह्यूमन के हार्ट को डबल सर्कुलेशन के केस में आपको इंडिकेट करते हैं, जिसमें आपको सिस्टमिक सर्कुलेशन जो होता है वो ऑक्सीजनेशन के लिए, और पल्मोनरी जो सर्कुलेशन होता है वो डी ऑक्सीजनेशन के केस में आपको इंडिकेट होता है।